अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेविंग्स एंड फाइनेंस यूट्यूब चैनल में अथर शाह आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला हमें सबको रमज़ान की बरकत से नवाजे, आमीन। अच्छा देखें, जब रमज़ान जब आता है तो बैंक्स में ज़कात जो कटती है वो यकम रमज़ान को कटती है। यकम रमज़ान आने वाला है और फिर किस अमाउंट पे कटती है वो गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है। चल सबसे पहले तो ये सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग खैरात तो बहुत करते हैं, ठीक है जी, यानी कि कोई फकीर मिला हुआ मिला हम उसको दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो ज़कात के मामले में थोड़ा सा कंजूस होती हैं। तो देखें कुरान पाक में जो जिक्र आया है, जहां नमाज का जिक्र आया है वहां ज़कात का जिक्र आया है। तो सलात और ज़कात जो है ना, ये साथ साथ चलते आए, तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़कात में दिल खोल के हिस्सा लें। आप गवर्नमेंट को अगर नहीं दे रहे, आप खुद निकालें, इससे हमारा माशा जो है ना संवर सकता है। यकम रमज़ान देखें किस दिन आता है, लेकिन स्टेट बैंक ने पीर के दिन छुट्टी अनाउंस की है कि पीर के दिन तमाम बैंक्स बंद होंगे और वो ज़कात डिडक्ट करेंगे सेविंग अकाउंट से। जो इस साल जो अनाउंस किया है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि जी 88,927 यानी 88,927, इससे जिसके पैसे कम है सेविंग अकाउंट में उसकी ज़कात नहीं कटेगी, लेकिन अगर इतने ही रकम है या इससे ज्यादा रकम है सेविंग्स अकाउंट में तो उसकी ज़कात कटेगी। बस मकसद ये था कि आपको ज़कात के निसाब का बता दूं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। हाँ एक बात और से ये कह दूं कि ये अमाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के लिए होती है। अगर आपने 5,000 का कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, स्पेशल है, डिफेंस है, कोई भी, उस पर ज़कात कटेगी। वो 5,000 वो अलग से चीज़ है, वो फिक्स टाइप का होता है, सेविंग्स अकाउंट में निकल रहा है पैसा, जमा हो रहा है। तो इस साल जो अनाउंस हुई है 88,927, ये या इससे ज़्यादा जो रकम होगी उस पर ज़कात कटेगी आपके सेविंग्स अकाउंट में से। अगर तो आपने ज़कात का डिक्लेरेशन दिया है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर नहीं कटेगी। लेकिन मसला मैं गलत क्या गया हूँ, मसला तो बस अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और अगर ज़कात का डिक्लेरेशन नहीं दिया तो ये इसमें से लाजमी कटेगी। अक्सर लोग शुरू में तो पहले ये करते थे कि जी पैसे निकलवा लेते थे, पैसे दे उससे वो बाहर। अगर आप समझते हैं कि जी हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हम खुद देंगे, तो उससे इतने छोड़ दें, 88,927 से कम छोड़ेंगे, उससे ज़्यादा के निकलवा दें और फिर वो आप जिसको मर्जी ज़कात दे दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।